रामानेरम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की ब्रेकफास्ट रेसिपी, आलू अंडे की ये स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे आलू की रेसिपी ब्रेकफास्ट स्पेशल में शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 4 मीडियम साइज़ के जो आलू हैं वो छील रही हूँ मैं। देखिए, एक मैंने स्लाइस में काट लिया, तो बाकी भी काट लेती हैं। और यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं, नमक और ब्लैक पेपर का पाउडर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आलू को काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बाकी के आलू को मैंने काट लिया हुआ है। तो अभी हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन जो है ऑलरेडी इसकी फ्लेम ऑन कर ली थी, ये प्री हीटेड है। तो इसमें सबसे पहले ये आलू डाल देते हैं और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो मैंने जिस नमक का ब्लैक पेपर का पाउडर लिया है, तो हम ये दोनों इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको हम पकने के लिए रख देंगे, जब तक ये आलू भी गल जाएंगे। तो हम रेसिपी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं फ्लेम पे मीडियम पे रख देती हूँ ताकि ये तब तक मुझे अब गल जाए। अब यहाँ पे इस बाउल में 2 अंडे लिए, तो अभी मैं इसको क्रैक कर लेती हूँ। और जो इसमें 1 टेबल स्पून में मैंने ग्रीन चॉप कोरिएंडर लिया और 1 ग्रीन चिली ली है। और स्पाइसेस में नमक, अब ब्लैक पेपर का पाउडर 1/2 टी स्पून लिए हैं। तो अभी हम अंडे को क्रैक कर लेते हैं। दोनों अंडे क्रैक कर लिए हमें, तो इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। दबा अब जो ये एग का मिक्सर रेडी होता है, फिर हम देखते हैं आलू की क्या सूरत हाल है। 5 से 7 मिनट तक मैंने आलू को अच्छी तरह से कुक कर लिया, तकरीबन 1/2 डन हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें जो एग का मिक्सर रेडी किया वो सारा डाल देती हूँ। तो आपकी ये जो एग है ये इसको हेल्प करेगा आपस में जोड़ने में। तो ये जब हम सारा एग मिक्सर डाल लेंगे, तो फिर मैं इसको प्रॉपर स्पैचुला के साथ काट लेती हूँ ताकि ये आपस में सही तरह से कुक हो। और जब हम इसको फ्लिप ओवर करें तो बिल्कुल भी ना टूटे। अभी ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको सारा प्लेन कर लिया है। तभी मैं इसको कवर कर देती हूँ लिड के साथ और इसको 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करते हैं। अभी यहाँ पे देखें 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी हमारा जो एग और आलू है वो इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाया। तो अभी हम इसको फ्लिप ओवर करते हैं। आप चाहें तो आप फ्लिप ओवर कर सकते हैं फ्राई पैन में, और मैं यहाँ पे ये प्लेट वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। वो ज़्यादा इजी है, इसे टूटता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ फ्राई पैन में। ये देखिए, फ्राई पैन में मैं इसको बिल्कुल प्लेट को ऐसे रखूँगी, ये उसमें चला जाएगा। तो ये देखें कितना अच्छा ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी हम इसको भी मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो पे 5 से 7 मिनट दूसरी साइड पर कुक करते हैं। ये देखें 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको वही पहले वाले तरीके से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी और इससे ये टूटेगा भी नहीं। इसकी फ्लेम ऑफ कर ली मैंने। तो अभी ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो आलू और अंडे की ये ब्रेकफास्ट स्पेशल रेसिपी बहुत ही सिंपल है। इसको आप आलू अंडे पिज़्ज़ा का नाम भी दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको काट के ये दिखाती हूँ। मैंने इसको काट लिया हुआ है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का कुकू है। ये देखें,
एग भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया हुआ है और पोटैटोज भी। आप इसको चाहे केचप के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, अगर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने आलू अंडे की इस रेसिपी को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही क्विक और प्लेन रेसिपी। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।